नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, या जो दर्शक मेरे को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 6 जून 2022 का दिन है, दिन सोमवार है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, आज विक्रम संवत वर्तमान में जो चल रहा है वो 2079 वर्ष चल रहा है, शक संवत 1944 चल रहा है। आज का जो राहु काल रहेगा, हम इस समय राहु काल में बात कर रहे हैं, यानी प्रातः 7:30 से 9, तो ये राहु काल रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए, सूर्य इस समय वृषभ राशि में है, लगभग 20.5 डिग्री के होके वो आगे बढ़ रहे हैं और 14 जून या 15 जून को उनका प्रवेश वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में। चंद्रमा का गोचर आज सुबह प्रातः काल से सिंह राशि में है। मंगल ग्रह इस समय गुरु ग्रह के साथ मीन राशि में बैठा हुआ है। वही जैसे मैंने बताया कि बुध ग्रह अब उदित हो गए हैं, मार्गी है और वृषभ राशि में बैठे। इसके अलावा शुक्र इस समय मेष राशि में है, जो कि आने वाले 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करें। शनि जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, शनि आज से बकरी हो रहे हैं कुंभ राशि में, कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है उसी में बकरी हो रहे हैं। वही राहु इस समय मेष राशि में है, जो कि शुक्र के साथ बैठ के क्रोध योग बना रहे हैं। वही केतु इस समय तुला है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, परामर्श आप पंडित अरविंद तिवारी जी से इस कार्यक्रम के दौरान लेना चाहते हैं किसी भी समस्या का, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय जो है वो न्याय के देवता शनि के बारे में है कि न्याय के देवता शनि वक्री होंगे। पंडित जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शनि की महत्ता क्या है और शनि कब वक्री होंगे? बिल्कुल, देखिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट यानी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और हमारे नवग्रहों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो ग्रह है जिसको हम शनि के रूप में जानते हैं, तो शनि आज कुछ पंचांगों में कल से हो गए हैं, कुछ पंचांगों में आज से हैं और कुछ पंचांगों में कल से। लेकिन हम लोग जो जिस पंचांग को नियमित रूप से जिसके आधार पर विश्लेषण करते हैं उसके अनुसार आज से शनिदेव बकरी होना, यानी शनि अब अपनी उल्टी चाल करें। लेकिन शनि से अमूमन बहुत सारे लोग भय खाते हैं, यानी डरते बहुत कि भाई शनि वक्री होगा तो क्या होगा, शनि उल्टी चाल चलेगा तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, शनि वर्तमान में कुंभ राशि जो कि उसकी स्वयं की राशि है उसमें विराजमान है और शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में 2.5 वर्षों तक चले। लेकिन अभी 2.5 वर्षों में चलने के साथ साथ अभी तो शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि उसकी मूल त्रिकोण की राशि है। ये माना जाता है कि शनि इस राशि में बैठकर अशुभता नहीं देता है, परंतु जब भी शनि वक्री हो जाते हैं यानी उल्टी चाल चलने लगते हैं तब शनि का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाता है। जैसा मैंने पूर्व में भी अपने कई प्रोग्राम में वक्री ग्रहों को लेकर बताया है, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वक्री गति का अर्थ होता है कि यदि आप सीधा चल रहे हैं अचानक आप अपनी पीठ के हिसाब से चलने लगे यानी उल्टा चल, तो जैसे एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को खो देता है, सकारात्मकता को खो देता है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है किस प्रकार चल रहा है।
क्योंकि शनि का ये साल भर में हमेशा वक्री जून में होते हैं, मई में होते हैं, और लगभग 140 दिन से लेके 120 दिनों तक ये वक्री रहे। लेकिन जब तक वो अपनी राशि में वक्री है तब तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे ही वह 13 जुलाई के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री कुंभ से निकलकर वो पहुंचेंगे मकर राशि, वहां से परेशानियां प्रारंभ, वहां से जिन राशि वाले जातक जिनके ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय 7.5 तीन राशियों के ऊपर मकर, कुंभ और मीन राशि, तो शनि की वक्री गति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राशि होने वाली है वो है मीन राशि। इसके अलावा शनि जिन जिन राशियों को देखते हैं, क्योंकि शनि को तीन राशियों को देखने का विशिष्ट प्रभाव मिला था, यानी शनि यदि बैठेंगे तो शनि तीसरी दृष्टि से सबसे पहले यदि किसी राशि को देखेंगे वो होगी मेष राशि। तो शनि वक्री गति से मेष राशि को देखेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के ऊपर वैसे ही राहु चल रहा है तो वो थोड़ा और तंग करेंगे, संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आएंगे, परेशान करेंगे। वही दूसरी यदि सम सप्तम भाव की राशि को की हम बात करते हैं तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि पर शनि की बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि पड़ रही है और वक्र गति से, क्योंकि वो सूर्य के प्रभुत्व वाली राशि है, तो आप मानकर चलिए कि आपको मानसिक तनाव में वृद्धि जी पंडित जी, मानसिक परेशानी है, बिल्कुल मानसिक परेशानी हो सकती है। वहीं इस वक्त पंडित जी एक दर्शक हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं, दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में, जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है। दुर्गा प्रसाद जी सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका सवाल पूछें। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूं। जी बेटी का जन्म है 14 फरवरी 2002। जी स्थान है धानापुर उत्तर प्रदेश। जी और बेटी का जन्म है मॉर्निंग 4:55, सुबह 4:55 का जन्म है बेटी का। जी, जी। क्या जानना चाहते हैं विषय में? अभी हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में ही बसे हुए हैं। जी और बेटी बीएससी फाइनल कर चुकी है साइंस कॉलेज से, रायपुर से ही। जी और अभी उसकी इच्छा है सीजीपीएससी करने की। जी तो उसमें सफलता मिलेगा या और कोई सब्जेक्ट से पढ़ाई करे? जी पंडित जी चलिए, दुर्गा प्रसाद जी आपने अपनी बिटिया के बारे में पूछा और जो आपने बिटिया की कुंडली बताई है उसके हिसाब से कुंडली बना देता हूँ। कुंडली बनती है मकर, लग्न और कुंभ राशि की, और जैसा कि आज हम बात शनि को लेकर कर रहे हैं, और आपकी बिटिया की कुंडली में दो ग्रह बहुत शानदार, सबसे पहला तो शनि ही बहुत बेहतर स्थिति में बैठा हुआ, दूसरा राहु और केतु बहुत बढ़िया। आपने कहा कि यूपीएससी या सीजीपीएससी वो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठना था, तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि उनको जरूर देना चाहिए, लेकिन बहुत कठोर मेहनत करने की आवश्यकता, तो प्रयास करें, और क्योंकि शनि की महादिशा उनके ऊपर चल रही है और वर्तमान में शनि में बुध का प्रत्यंतर है जो कि 5 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, ये क्योंकि उनका एक बेहतर समय है, तो इस दौरान आप उनसे कहें कि 5 अक्टूबर 2024 से पहले पहले तैयारी करके परीक्षा में सम्मिलित हो, मेहनत करिए, प्रयास करिए और सफलता मिलना चाहिए। बिल्कुल, वहीं दर्शक पंडित जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान आप इस कार्यक्रम के दौरान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर, आज हम शनि पर चर्चा कर रहे हैं कि शनि जब वक्री होंगे तब किन किन राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और हम चर्चा कर चुके हैं मेष और सिंह राशि की। मैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में बता रहा था कि क्योंकि शनि की सीधी यानी सप्तम दृष्टि जो पड़ने जा रही है वो पड़ेगी सिंह राशि, तो सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, प्रेम संबंध और संबंधों के आधार पर यदि कोई आप काम करने जा रहे हैं तो निसंदेह आपको तंग करता है। दूसरा हम बात इसके बाद जो उसकी दसवीं दृष्टि पड़ेगी वो वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ेगी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी थोड़ा कामकाज को लेकर परेशानी आ
तो ये तीन प्रमुख राशियां जिनके ऊपर शनि का दृष्टि दोष हो रहा है। इसके अलावा दो राशियां जो है जिनके ऊपर शनि का ढीया बना हुआ है, अर्थात वृश्चिक, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। दूसरी राशि है कर्क। कर्क राशि के ऊपर शनि का अशुभ ढीया बना रहेगा, क्योंकि शनि कर्क राशि से अष्टम भाव, अष्टम भाव में बकरी होना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही परेशानी और चिंताजनक समय को लेकर आ। जब तक वो कुंभ राशि में बकरी है, आपके लिए समय थोड़ा सा कठिन होगा। सबसे ज्यादा कठिनता कार्य क्षेत्र को लेकर आएगी, कामकाज को लेकर बेहद परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद। इस दौरान चूंकि हड्डी, कमर, सिर और चोट लगने की संभावना थोड़ी सी बढ़ने की संभावना, तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें। खासतौर से यदि आप ड्राइव तेज करते हैं, यानी वाहन तेज चलाते हैं, कोशिश करिएगा कि आप अपने वाहन को बहुत धीमे तरीके से चलाएं, बहुत शांति से चलाएं, ताकि आपको जब तक शनि वक्री कुंभ राशि में है जुलाई के महीने तक, तक आपको कष्ट ना हो। बाकी मैं देश और दुनिया की बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारतवर्ष के ऊपर इस वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भारतवर्ष की राशि कर्क राशि, और कर्क राशि के ऊपर इस समय शनि का शुभ क्रिया करता है। चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो भारतवर्ष के सामने जो पुरानी समस्याएं हैं, पुराने मामले हैं, वो बार बार उठकर आएंगे। क्योंकि केतु जो ग्रह होता है वो अल्पसंख्यक वर्ग को का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो आप देखिए कि अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए मामले देश के सम्मुख और बहुत तेजी से आने की संभावना, क्योंकि शनि वक्री है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि ये स्थिति लगभग 2.5 साल रहेगा और 18 महीने केतु चलेगा, तो ये समय ऐसा रहेगा कि एक वर्ग संघर्ष की स्थिति रह सकती है, यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग के बीच किसी न किसी तनाव, परेशानी, व्यर्थ के वाद विवाद जैसी परेशानियां सामने आ सकती है। ये तो हुआ भारतवर्ष की जनता को लेकर। जी पंडित जी, देखिए भारतवर्ष बिल्कुल, इस पर आगे भी हम चर्चा करें। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना, मेरे बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 11 जुलाई 1991। जी। दिन में 12:32 दिन में, और स्थान है जयपुर, राजस्थान। गुरुदेव, ये पूछना चाहता हूँ इसका भविष्य क्या है और इसकी शादी कब तक होगी। गुरुदेव, शादी का देखना है, और कोई उपाय हो तो बताइए। जी चलिए, आप अपने बेटे को लेकर चिंतित हैं और खासतौर से विवाह को लेकर। देखिए, कुंडली को जिस प्रकार से बनती है, तुला लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है, आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। लेकिन ये विवाह के पीछे दो कारण थे जो नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहला कारण तो शनि का ही है, क्योंकि शनि की महादशा इनके ऊपर 2010 से चल रही और ये 2029 तक चले। दूसरा, शनि में चंद्रमा का प्रत्यंतर है और उसमें भी शनि का प्रत्यंतर है, तो इनके विवाह के जो योग बनते हैं वो 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2023 के बीच। तो अनिल जी, इनकी शादी का योग एक साल में होना चाहिए। आपने पूछा कि क्या उपाय करने। देखिए, शनि क्योंकि वक्री है, हम आज शनि की चर्चा भी कर रहे हैं, और शनि वक्री होकर चौथे भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहला उपाय तो आप शनि से जुड़ा भी करें। दूसरा, चूंकि बृहस्पति जो कि विवाह का कारक है, चौथे भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति को भी यानी गुरु को भी ठीक करने का उपाय अनिल जी आप करना, तो क्या करें। मैं आपको एक छोटा सा उपाय गुरु से जुड़ा हुआ बताता हूं। विष्णु सहस्त्रनाम आप बेटे से जरूर पाठ कराइए, क्योंकि कुंडली में बुध ग्रह बेटे की कुंडली में थोड़ा सा कमजोर है, जिसके चलते भी परीक्षा नहीं। तो शाम के समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने बेटे से करें। तेल का या घी का दीपक लगाए, घर में लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या फोटो हो, उनके सामने बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मुझे लगता है इससे न केवल उनका विवाह जल्दी होगा, क्योंकि जो शनि का अशुभ दोष भी उनके ऊपर बन रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी।
लेकिन आप उनको कहिए नियमित रूप से पाठ करें जब तक कि उनका विवाह ना हो जाए। जी बिल्कुल। वहीं पंडित जी से व्यक्तिगत परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर, आज हम बात करेंगे शनि जब वक्री होंगे तो इसका क्या कुछ प्रभाव देश दुनिया विभिन्न राशियों पर पड़ेगा, और हम बात कर रहे थे भारत देश की। देखिए भारत वर्ष की कुंडली जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:30 बजे भारत वर्ष की कुंडली बनी, वृषभ लग्न कर्क राशि, और शनि जो है भारत वर्ष की कुंडली में भाग्येश यानी भाग्य का स्वामी है और कर्म करना देखिए वक्री होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानी आने वाले दिनों में खासतौर से जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में हमको देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था में बहुत भारी उतार चढ़ाव होगा और उस समय अर्थव्यवस्था का स्वामी ग्रह गुरु वो भी उस समय वक्री हो जाएगा, तो दोनों ग्रह का वक्री होना भारत वर्ष के लिए ठीक नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी होगी, शेयर बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव होने की संभावना है, खासतौर से विदेश नीति के मोर्चे पे भी परेशानी आएगी क्योंकि 18 जून से मंगल चूंकि जो अभी बैठे हुए हैं मीन राशि में एकादश भाव में वो भी ट्रांजिट करके मीन राशि में पहुंच गए, तो आप देखेंगे कि वैदेशिक क्षेत्र में हमारे खासतौर से पड़ोसियों से संबंध थोड़े से ज्यादा कमजोर होंगे, खासतौर से पाकिस्तान और चीन के मामले, तो हम उस चीज को लेकर बेहद परेशान स्थिति में रहेंगे। हो सकता है चीन से तनाव और विवाद हमारा और बढ़े, अभी उसमें कमी आने की संभावना दिखाई दे। हमारे देश में रुपए को लेकर मानी मुद्रा भी कुछ गिर सकती है, अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। जहां तक प्रश्न है विदेश का, आप विश्व के परिदृश्य को देखिए, पेट्रोल और डीजल के भाव और तेजी से बढ़ेंगे, बेशक ओपेक कंट्रीज ने कहा होगा कि हम पेट्रोल और डीजल का उत्पादन बहुत तेज करेंगे, लेकिन विश्व में तेल को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी। दूसरा आप देखेंगे कि कुछ देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से कमजोर हुई, इनमें श्रीलंका पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि हमारे पड़ोस में है और नेपाल और साथ साथ भूटान एक छोटा सा देश है, ये सारे परेशान होंगे। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज का और ज्यादा विवाद रशिया से बढ़ने जा रहा है, मुझे लगता है कि रशिया कहीं यूक्रेन को छोड़कर बाकी देशों के ऊपर अपना हमला ना करे, यानी उसके ऊपर किसी न किसी रूप में इन्वेशन करने की कोशिश ना करें। वैदेशिक संबंधों में खासतौर से सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के साथ भी भारतवर्ष के नहीं अन्य देशों के संबंधों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हुआ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शनि का वक्री होना पूरी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है और भारतवर्ष के लिए भी ठीक। जी पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा है, जबकि चंद्रमा का गोचर आज बहुत सुंदर स्थिति यानी सिंह राशि में हो रहा है, तो मन प्रसन्न रहेगा, काम काज की स्थिति बेहतर रहेगी, प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत खास बना हुआ है, कुल मिलाकर आज अच्छा दिन है, आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है, एक तो राशि स्वामी आपका शुक्र और बुध दोनों ही आपकी मदद करने जा रहे हैं, देखिए शुक्र अब आगे बढ़ रहा है वृषभ राशि की तरफ, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत शानदार हैं। आज धार्मिक कार्यों में आप न केवल आपकी संलग्नता बढ़ेगी, आपका मन भी बेहद प्रसन्न बना रहेगा, तो अच्छे दिन का लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत अच्छा है, देखिए चंद्रमा का पराक्रम भाव में गोचर आपके लिए बहुत मदद करने, लोग न केवल आपकी सहायता करेंगे अभी तो कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल पड़ेगा, यदि आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो मान सम्मान में वृद्धि पूरे ही होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक आज बेहद परेशान रहे, घरेलू मोर्चों पर आपको लड़ना पड़ सकता है, परेशान हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है और सबसे बड़ी बात प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने की पूरी संभावना है, तो आज थोड़ा दूरी बनाए रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बहुत मन न केवल बेहद प्रसन्न बना रहेगा, काम काज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, कुल मिलाकर आज आप यदि अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो बहुत अनुकूलता की स्थिति बनी रहेगी।
असली राशि की बात करते हैं वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय पूरक है। देखिए आप किसी से बहस करने से पूरी तरह से बचें, अपने आप को शांत रखें, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और खासतौर से प्रेम संबंधों से भी बचने की कोशिश आवश्यक है। अगली राशि की हम चर्चा करेंगे वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शांत है। देखिए आपके जितने भी जरूरी कामकाज है उनको एक दो दिन में तेजी से कर सकते, क्योंकि चंद्रमा बहुत आपकी मदद करता है, शुभ मदद करता है, इन अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाकर अपने कार्यों में तेजी लेकर आवश्यक। अगली राशि यानी वृश्चिक की हम बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए चंद्रमा का शुभ गोचर और इसके साथ साथ बुध का उदित होना सप्तम भाव में बहुत बड़ी स्थिति है। मानसिक रूप से तनाव कम होगा, कार्य क्षेत्र बढ़िया बना रहेगा, वैवाहिक और प्रेम संबंधों में अनुकूलता की स्थिति बनी रहेगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। जरूरी कामकाज अभी सोच समझ कर ही करिए ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में परेशानी की स्थिति बने, लेकिन प्रेम संबंधों की स्थिति अनुकूल रहेगी। आपका जो प्रेम सहयोगी आपसे थोड़ा सा परेशान था, आज आपसे प्रसन्न अवश्य रहे। अगली राशि यानी मकर राशि की हम चर्चा करेंगे। मकर राशि वाले जातकों का समय आज ठीक है, क्योंकि अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर भी तनाव हो सकता है, धन को लेकर आप परेशान रहेंगे और खासतौर से आज वाहन थोड़ा सा सामान्य यानी सावधानी से चलें। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर है। देखिए ना केवल कार्य क्षेत्र बढ़िया बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज संबंधों के आधार पर आपका कोई बड़ा काम नहीं जा रहा है, प्रेम संबंधों में तो अनुकूलता बनी ही रहेगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे। मीन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर बना रहा है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न, पर चिंता ना करें, कल से समय पूरी तरह से ठीक होने जा रहा है। केवल आज का दिन धैर्य और शांति से गुजारें। जी तो ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे यार मिश्रा जी, आपसे कितनी बार कहा है, अरे सरिया का हम